हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ब्रेड कॉर्नर से बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता लेकर आई हूँ, जिसके साथ मैंने एक टेस्टी चटनी भी बनाई है। अक्सर क्या होता है कि हमारे ब्रेड कॉर्नर्स बच जाते हैं और हमें समझ नहीं आता इसका क्या यूज़ करें, क्योंकि ब्रेड क्रम्स भी इतने काम नहीं आते। तो अब आप ये टेस्टी नाश्ता बना सकते हैं। तो हम सबसे पहले उसकी चटनी बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे एक पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला और 2 टेबलस्पून चना दाल डाली है। ये जो नॉर्मल हमारी दाल आती है मैं वही यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं अच्छे से रोस्ट करती हूँ, तो इसको मैं 1 स्पून ऑयल में ही बस थोड़ा भून लेती हूँ अच्छे से। अभी मैं इसमें और भी इंग्रेडिएंट ऐड करूँगी, जैसे कि मैं अब इसमें मूंगफली डाल दे रही हूँ। 2 टेबलस्पून मूंगफली इसमें मैंने ऐड कर दी है और मूंगफली को भी चने दाल के साथ खूब अच्छे से रोस्ट करती हूँ। मीडियम सिम गैस पे मुझे रोस्ट करना होता है, जैसे कि चना दाल, जैसे हमने एक अच्छी चना दाल ली है तो उसका थोड़ा सा पकावपन आ जाए, तो हमें इसलिए अच्छे से रोस्ट करना है। 2 हरी मिर्च को मैंने टुकड़ों में करके डाल दिया। 1 इंच अदरक ली है जिसे मैंने कट करके रखा था, वो भी इसमें डाल दिया। इन सब चीज़ों को मैं रोस्ट कर लेती हूँ। इसके बाद इसी मिश्रण में मैं डाल देती हूँ जीरा। ये 1/2 टेबलस्पून मैंने इसमें जीरा डाल दिया और थोड़ी सी कड़ी लीव्स यानी कि 8 से 10 कड़ी पत्ते मैंने डाल दिए और इन सबको भी अच्छे से रोस्ट करती हूँ। मीडियम सिम गैस पे इनको चलाती रहती हूँ और अच्छे से भून लेती हूँ। ये चटनी इस नाश्ते के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इस चटनी को किसी और नाश्ते के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत यूनिक चटनी बनकर आती है। तो इसको भी आप अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये मेरा रोस्ट हो चुका है, मैंने गैस बंद कर दिया और इसमें मैं 1 पिंच हींग डालती हूँ और हींग डाल के 1 मिनट के लिए और रोस्ट करती हूँ। मतलब बंद गैस में ही इसको चलाती हूँ क्योंकि हमारा पैन ऑलरेडी इतना गर्म होता है। और जब ये थोड़ा मिश्रण ठंडा हो जाए तो मैं इसे मिक्सी के जार में डालती हूँ। इसमें मैंने 1/4 टेबलस्पून नमक डाला और थोड़ा नींबू का रस डाला, 1/2 नींबू का रस डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसको पीस लेती हूँ और चटनी तैयार करती हूँ। पानी ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा डालना है। ये देखिए हमारा ये पीस कर तैयार हो चुका है और इसको अब मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। अभी हम इस चटनी में एक तड़का और लगाएंगे जिससे ये चटनी का फ्लेवर और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो एक छोटा पैन गैस पे रखा या छौकदानी, इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डाला, 1/2 टेबलस्पून राई डाली, 4 से 5 कड़ी पत्ते डाले और 2 साबुत लाल मिर्च डाल दी। इन सबको जैसे ही राई हमारी चटक जाए, कड़ी पत्ते चटक जाए, गैस बंद कर दी और इस छौंक को, इस पूरे मिश्रण को ले जाके अपनी चटनी पे डाल दिया, इसको मिक्स कर दिया और ये मेरी चटनी जो है नाश्ते के साथ की अच्छी वाली चटनी बनकर तैयार है। अब हम नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। तो एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लिया, इसमें मैंने 2 टेबलस्पून दही डाले। दही डालने के बाद 2 टेबलस्पून इसमें मैंने डाल दिया कॉर्नफ्लोर और इसके बाद इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया। अब मैं पानी डालते हुए इसका एक घोल यानी कि मिश्रण तैयार कर लेती हूँ। तो अच्छे से पानी डालते हुए मैं इसका ये जो है एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लूँगी। जैसे कि अभी मैंने कल ही एक नाश्ता बनाया था जिसमें मेरे ब्रेड कॉर्नर्स यूज़ नहीं आए थे, मैंने कट कर दिए थे, तो उसके ब्रेड कॉर्नर्स ही मैं इस नाश्ते में यूज़ कर रही हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं। ये मैंने इसमें कट की हुई धनिया पत्ती डाली, 1/4 टेबलस्पून चाट मसाला, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/4 टेबलस्पून नमक या फिर स्वाद अनुसार, रेड चिली फ्लेक्स की जगह आप कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिक्स करा और ये मेरा घोल जो है वो बनकर तैयार है। इधर मैंने ब्रेड को कुछ क्रम्स करके भी लिए हैं और ये हमारी लंबी लंबी स्टिक्स ली है। इस ब्रेड क्रम्स की हमें लंबी लंबी स्टिक्स ही लेनी होती है ब्रेड कॉर्नर्स की। इनको मैंने इस मिश्रण में जो मैंने घोल तैयार किया उसमें डिप किया अच्छे से और फिर ब्रेड क्रम्स में ले जाके लपेट लिया अच्छे से। एक एक स्टिक को ब्रेड क्रम्स में लपेट लिया और अब एक एक स्टिक निकाल के एक प्लेट में रख दी गई। इसी तरीके से मैं सारी स्टिक्स को बना के अपनी जो है वो तैयार कर लूँगी, एक प्लेट में रखती जाऊँगी। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी स्टिक करके उसमें डिप करूँगी मैं अपने घोल में। ज़्यादा देर के लिए घोल में डिप नहीं करनी वरना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी तो टूटने लगेंगी। ये सारी स्टिक मैंने तैयार कर लिया। अब एक पैन गैस पे रखा है जिसमें मैंने ऑयल को गर्म करने पहले ही रख दिया था। ऑयल जब मेरा तेज गर्म हो जाए तो इसमें मैं ये स्टिक्स डालती हूँ और मीडियम सिम गैस पे इनको डीप फ्राई करती हूँ। लेकिन ऑयल तेज गर्म पे ही हमें इन्हें डालना है, नहीं तो ये सारी ब्रेड जो है हमारा जो सारा ऑयल है वो पी जाती है और फिर नाश्ता जो है टेस्टी नहीं बनकर आता है। इसलिए हमें याद रखना है कि हमें तेज गर्म ऑयल में डालना है और फिर इनको डीप फ्राई कर लिया है हमने गोल्डन ब्राउन होने तक। अभी इन्हें एक टिश्यू के ऊपर निकाल लेती हूँ ताकि ये सारी ब्रेड स्टिक्स हमारा ऑयल एब्जॉर्ब कर ले और इसी तरीके से हम बाकी सारी ब्रेड स्टिक्स भी अपनी जो है डीप फ्राई कर लेंगे। देखिए कितना टेस्टी भुरभुरा हमारा ये ब्रेड कॉर्नर्स का नाश्ता तैयार हुआ है, बहुत ही भुरभुरा बनकर आता है और स्पेशली हम इस चटनी के साथ खाएंगे। ये देखिए बहुत यमी नाश्ता तैयार है, इसको अब मैं सर्व करती हूँ। उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और जाते जाते ज़रूर कीजिएगा वीडियो को लाइक। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।